अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है हुआवे नोवा 7 प्रो पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो एज यूजुअल सबसे पहले करेंगे नोवा 7 प्रो की स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू और फिर बात करेंगे इस फ़ोन के कंक्लूजन की कि क्या ये फ़ोन अपनी प्राइस के हिसाब से बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है या नहीं। सो मेक श्योर कि कंक्लूजन वाला पार्ट लाजमी देखें। तो शुरुआत करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो नोवा 7 प्रो को लेकर हुआवे फुल फ्लैगशिप मोड में चला गया है और यहाँ मिलता है फ्लैगशिप लेवल का टोटली प्रीमियम डिज़ाइन। और फ़ोन का फ्रंट और बैक ग्लास से प्रोटेक्टेड हैं और फ्रेम यहाँ मिलता है मेटल का, जस्ट लाइक दी अदर फ्लैगशिप डिवाइसेज। स्क्रीन की बात करें तो ड्यूल पंच होल के साथ ओलेड स्क्रीन मिलती है 1080p की रेजोल्यूशन में, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 392 ppi तक की है और रिफ्रेश रेट स्क्रीन का है 60 हर्ट्ज़ तक का। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ मिलता है एंड्रॉयड 10 और यूज़र इंटरफेस है EMUI 10, लेकिन यहाँ गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलती, जो कि हुआवे के लिए नॉर्मल होता जा रहा है और ऐसे लगता है कि अब हुआवे ने गूगल बैन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। खैर, इसके बारे में मज़ीद बात कंक्लूजन वाले पार्ट में करेंगे। ब्रेन पावर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ मिलता है हाई एंड किरिन 985 5G और GPU यहाँ मिलता है माली G77। रैम मेमोरी के वेरिएंट्स यहाँ दो हैं, 8 128GB और 8 256GB, और स्टोरेज यहाँ मिलती है UFS 3.0। दूसरा, यहाँ एडिशनल मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी सेंसर यहाँ हमें मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट रीडर, नॉट टू मेंशन यहाँ हेडफोन जैक की ऑप्शन नहीं मिलती। तो हेडफोन जैक रिमूव करने की वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हुआवे नोवा 7 प्रो के लिए वाटरप्रूफिंग को लेकर कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं मिलती। खैर, बैटरी यहाँ मिलती है 4000mAh की, जिसको चार्ज करने के लिए USB टाइप सी पोर्ट मौजूद है और फास्ट चार्जिंग एबिलिटी यहाँ मिलती है 40 वाट्स तक की, विच मीन्स कि 30 मिनट्स में 75% बैटरी चार्ज। और इस फ़ोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग एबिलिटी भी मौजूद है, जो कि 5 वाट्स तक की है। कलर ऑप्शन यहाँ 5 हैं, ब्लैक, रेड, पर्पल, ग्रीन और ब्लू। प्राइस इस फ़ोन की पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है 90,000 rupees तक की और रिलीज डेट एक्सपेक्टेड है मई के एंड में। अब बात करते हैं कैमरास की। तो फ्रंट पर हमें ड्यूल पंच होल कैमरास मिलते हैं, जिनमें मेन सेंसर है 32 megapixels का विद एन अपर्चर ऑफ f2.2 और दूसरा कैमरा यहाँ मिलता है 8 megapixels का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जिसका अपर्चर है f2.2। फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई जा सकती है 4K तक की अप टू 30 frames per second। नोवा 7 प्रो की बैक पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिनमें मेन सेंसर है 64 megapixels का विद एन अपर्चर ऑफ f1.8। दूसरा कैमरा यहाँ 8 megapixels का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है विद एन अपर्चर ऑफ f3.4 और ये पेरिस्कोप सेंसर ऑप्टिकली स्टेबलाइज होने के साथ साथ 5x ऑप्टिकल जूम की एबिलिटी भी रखता है, एंड नॉट टू मेंशन मजीद जूम के लिए हाइब्रिड जूम की ऑप्शन भी मौजूद है। तीसरा कैमरा यहाँ मिलता है 8 megapixels का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद एन अपर्चर ऑफ f2.4 और चौथा कैमरा यहाँ मिलता है 2 megapixels का मैक्रो कैमरा विद एन अपर्चर ऑफ f2.4। बैक कैमरा से वीडियो बनाई जा सकती है 4K तक की अप टू 30 frames per second और स्लो मोशन की एबिलिटी यहाँ मिलती है 720p रेजोल्यूशन में अप टू 960 frames per second। स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू यहाँ ख़त्म हुआ और अब टाइम है कंक्लूजन का, जो कि सिंपल वर्ड्स में यही है कि हुआवे एक बार फिर बेहतरीन हार्डवेयर वाला फ़ोन मार्केट में लाया है, जो कि सॉफ्टवेयर साइड से काफ़ी वीक है। फ़ोन का डिज़ाइन, बैटरी, प्रोसेसर, रैम मेमोरी, कैमराज बेहतरीन हैं, लेकिन गूगल पे सर्विसेज मौजूद नहीं हैं, विच मीन्स कि आपको एंड्रॉयड की पॉपुलर एप्लीकेशंस और गेम्स डाउनलोड करने के लिए थर्ड पार्टी सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ेगा। और इन कंपैरिजन आप 90,000 rupees के प्राइस टैग में दूसरी कंपनीज के स्मार्टफोन को देखें तो एक तो वो एंड्रॉयड का टोटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, दूसरा शाओमी और सैमसंग के इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जानता हूँ कि थोड़ी सख्त बात है, लेकिन हकीकत यही है कि गूगल प्ले सर्विसेज के बिना हुआवे के फ़ोन्स इतने सेल नहीं हो पा रहे और गूगल का ये बैन काफ़ी भारी पड़ रहा है हुआवे को। एनीवेज, हुआवे नोवा 7 प्रो एक बेहतरीन हार्डवेयर वाला फ़ोन है और सॉफ्टवेयर साइड को कॉम्पनसेट करने के लिए इस फ़ोन की प्राइस कम होनी चाहिए थी। खैर, आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।